कोरोना वायरस ने फिरोजाबाद को अपनी चपेट में ले लिया है। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। लखनऊ में हॉटस्पॉट की अगर बात करें तो 17 हॉटस्पॉट कल तक थे, लेकिन आज एक हॉटस्पॉट को हटाया गया है। बात करें मेरठ की तो मेरठ में कल एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है। मुरादाबाद की अगर बात करें तो 99 कोरोना पॉजिटिव अब तक पाए जा चुके हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा आंकड़ों की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में अब तक 104 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे तक कोई भी अभी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। साथ ही उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना है गौतम बुद्ध नगर, जिसमें ज्यादा पेशेंट हैं जो ठीक हुए हैं और कम पेशेंट हैं जिनका इलाज चल रहा है। 104 जो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले उनमें से 54 ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें ठीक करके उनके घर भेजा जा चुका है। बाकी 50 लोग ऐसे हैं जिनका जो फिलहाल एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है। बात करी जाए गौतम बुद्ध नगर में हॉटस्पॉट एरिया की तो अभी तक गौतम बुद्ध नगर में 33 हॉटस्पॉट एरिया बनाए गए हैं, लेकिन साथ ही जिला अधिकारी ने यह भी कहा है कि जिन हॉटस्पॉट एरिया में मरीजों की संख्या नहीं बढ़ रही है उन्हें उन हॉटस्पॉट एरिया को कम करा जाएगा। और जो ये 33 हॉटस्पॉट एरिया है इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 से 3 हॉटस्पॉट एरिया है जो कम कर दिए जाएंगे। फिलहाल जो गौतम बुद्ध नगर से जुड़े हुए बॉर्डर हैं वो पूरी तरीके से सील कर दिए गए हैं। जरूरी सेवाओं से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें पास दिया गया है। पास के बगैर ना तो कोई गौतम बुद्ध नगर के अंदर आ सकता है और ना ही बाहर जा सकता है। गौतम बुद्ध नगर से भूपेंद्र चौधरी यूपी तक। नवाबों के शहर लखनऊ में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर 186 हो गई है। हालांकि इसमें से 15 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि एक मरीज की मौत हो गई है, जो अब कुल संख्या 170 के करीब है। कोरोना पॉजिटिव में तकरीबन 99 मरीज लखनऊ के हैं और 71 मरीज अलग स्टेट के हैं, जिसमें सहारनपुर, अंडमान, राजस्थान, दिल्ली जैसे प्रदेशों के मरीज भी शामिल हैं। लखनऊ में हॉटस्पॉट की अगर बात करें तो 17 हॉटस्पॉट कल तक थे, लेकिन आज एक हॉटस्पॉट को हटाया गया है, यानी मलिहाबाद में जो हॉटस्पॉट था उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब हॉटस्पॉट की संख्या 16 बची है। लखनऊ में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सैनिटाइजेशन का काम कर रही है। लगातार ऐसी जगह पर जाकर उस पूरे एरिया को सैनिटाइज कर रही है। प्रशासन, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मुस्तैदी से हर उस जगह पर जाकर कोरोना संक्रमण को दूर करने का प्रयास कर रही है जहां से इसको फैलने की उम्मीद लग रही है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव यूपी तक। बात करें मेरठ की तो मेरठ में कल एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है, यानी कि अब मेरठ में कोरोना पॉजिटिव से मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। जहां तक हम बात करें मेरठ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की, तो कल उनकी संख्या 85 थी जो आज बढ़कर 86 हो गई है। अब मेरठ का ज़िला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम जो मृतक है, जो कल चौथी मौत हुई है, उसकी पूरी चेन ढूंढने में लगा है, क्योंकि उसके दोनों बेटों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वो एक सत्ताधारी नेता के साथ में जुड़े हैं जो हर वक्त उसके साथ में रहते थे। अब पूरा ज़िला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इसकी चेन ढूंढने में लगे हैं कि आखिर ये चेन कहाँ तक जाएगी। उस्मान चौधरी यूपी तक मेरठ। यूपी तक की टीम पहुंच चुकी है इस समय मुरादाबाद में। मुरादाबाद की अगर बात करें तो 99 कोरोना पॉजिटिव अब तक पाए जा चुके हैं, जिनमें से 5 की मौत हो चुकी है और 1 डिस्चार्ज किया जा चुका है। 93 मरीज जो कोरोना पॉजिटिव एक्टिव हैं उनका इलाज चल रहा है। पिछले 2 दिनों से कोई हॉटस्पॉट नया नहीं बनाया गया है, इसलिए अभी तक हॉटस्पॉट की संख्या 21 बनी हुई है और लगभग 200 लोगों को अलग अलग जगह क्वारंटाइन किया गया है। मुरादाबाद से यूपी तक के लिए शरद गौतम। हम खड़े हैं इस वक्त आगरा SN मेडिकल कॉलेज के कोविड हॉस्पिटल के सामने। आगरा की स्थिति बहुत ही ख़राब है। प्रशासन के आंकड़ों की माने तो कोरोना मरीजों की संख्या 335 पहुंच चुकी है। आगरा में हॉटस्पॉट 75 से अधिक हैं। इन हॉटस्पॉट एरिया में हजारों लोगों को सीमाबद्ध कर दिया गया है। किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं है। आशंकाओं के मद्देनज़र एक नया क्वारंटीन सेंटर विवेकानंद भवन में बनाया गया है। यहां 600 लोगों को क्वारंटीन करने की व्यवस्था है।
कम्युनिटी किचन भी यहाँ से चलाने की बात चल रही है। देश के तमाम राज्यों पर ये संख्या भारी है और आगरा के अंदर लॉकडाउन सख्त कर दिया गया है। सड़कों पर आवागमन करने के लिए छूट नहीं है, सिर्फ ज़रूरतमंद ही निकल सकते हैं और आ जा सकते हैं। अरविंद शर्मा, आगरा, यूपी तक। कोरोना वायरस ने फिरोजाबाद को अपनी चपेट में ले लिया है। अभी तक 71 पॉजिटिव केस आ चुके हैं, जिसमें से एक आरएसएस का बड़ा जिले का पदाधिकारी है, जिसके संपर्क और भी लोगों से हुए हैं। एक महिला पॉजिटिव आई है, जिसके 4 दिन पूर्व ही डिलीवरी हुई थी। बच्चे की अभी रिपोर्ट आना बाकी है। हालात इस तरह से बेकाबू हैं कि थानाध्यक्ष रामगढ़ तथा 26 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन होना पड़ा है। दरअसल इन्होंने एक युवक को 14 तारीख को पकड़ा था, जो बाद में पॉजिटिव आया। ज़िले की बात करें तो अभी तक 715 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें 1460 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये सब लॉकडाउन उल्लंघन के केस थे। अभी अभी 113 मजदूर जो गुड़गांव से बिहार जा रहे थे, इनको टूंडला में क्वारंटाइन किया गया है। जिला महामारी की ओर बढ़ चला है, कर्फ्यू जैसे हालात हैं। देखना है कि जिले की स्थिति कब सुधरेगी। सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद, यूपी तक। तक रायबरेली में कोरोना के 43 केस पाए गए हैं। इतने केस मिलने के बाद जिला प्रशासन की आंखों से नींद गायब है। ऊंचाहार, बछरावा, सलवन के साथ रायबरेली शहर के 2 मोहल्लों को भी किया गया है हॉटस्पॉट। एहतियात के तौर पर इन सभी की सीमाएं सील कर दी गई हैं। पुलिस अधीक्षक ने भी हॉटस्पॉट एरिया में काम कर रहे पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन करने का आदेश दे दिया है। हॉटस्पॉट में काम कर रहे करीब 150 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन करने के आदेश दिए गए हैं। आज तक से शैलेंद्र प्रताप सिंह, रायबरेली। सहारनपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज आई रिपोर्ट में 225 लोगों में से 7 लोग पॉजिटिव आए हैं। इसके बाद सहारनपुर में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 146 हो गई है। आपको बता दें कि सहारनपुर के अंदर 2 थाना क्षेत्र, थाना कुतुबशेर एवं थाना मंडी क्षेत्र में पूर्णतः पूरे एरिया में हॉटस्पॉट बना दिया गया है। थाना मंडी क्षेत्र में एक बड़ी मंडी लगा करती थी, उस मंडी को भी वहाँ से शिफ्ट करके शहर से बाहर भेज दिया गया है, जिससे फुटकर विक्रेता अब उसी क्षेत्र में जाने से बच सकें। अब सारे ही फुटकर विक्रेताओं को मंडी से जो सामान लाना पड़ता है वो एक दूसरे स्थान से लाना पड़ता है। इसी प्रकार थाना कोतवाली क्षेत्र में जो किराना व्यापारियों के लिए एक थोक मंडी थी, वहाँ पर भी उन्होंने इंतजाम किया है कि सिर्फ वो लोग खुद सप्लाई करेंगे, वहाँ पर कोई भी व्यापारी जाकर खुद नहीं खरीद पाएगा। अनिल भारद्वाज, सहारनपुर, यूपी तक। आज इस वक्त हम जनपद श्यामली के झिंझाना हॉट स्पॉट सेंटर के नज़दीक है। एक श्यामली में आज रात बड़ी खबर आई है, जिसमें श्यामली में 17 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए थे, जिसमें 13 नेगेटिव रिपोर्ट आई है। और ये सभी दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज़ से ताल्लुक़ रखते हैं और ये त्रिपुरा और आसाम के रहने वाले। इसके साथ एक बड़ी खबर श्यामली में ये है कि आज एक नर्स जो गले में खराश और बुखार की संक्रमित पाई गई है, उसको क्वारंटीन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट मेरठ भेजी गई है। जल्द उसकी रिपोर्ट आने की उम्मीद है। यूपी तक के लिए शरद मलिक की रिपोर्ट। जहां कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, कोरोना संक्रमित मरीजों की जो संख्या का आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद में 2 और संक्रमण के केस सामने आए हैं। गाजियाबाद में 52 जो संक्रमित मरीज हैं, फिलहाल इनकी संख्या हो चुकी है। हालांकि इसमें राहत की बात यह है कि 15 मरीज इलाज के बाद सही हो चुके हैं और अपने घर भेजे जा चुके हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या है गाजियाबाद में संक्रमित मरीजों की, जो अभी भी गाजियाबाद के अस्पतालों में है। 37 मरीज गाजियाबाद के अलग अलग अस्पतालों में इस समय एडमिट हैं, जिनका इलाज गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। 31 मरीज गाजियाबाद के अस्पतालों में इलाज अपना करवा रहे हैं जो कोरोना संक्रमित हैं, जबकि 6 जो मरीज हैं वो गाजियाबाद से अलग दिल्ली, नोएडा और मेरठ में अपना इलाज करवा रहे हैं। लगातार कई सख्त कदम गाजियाबाद में उठाए जा रहे हैं, ताकि जो कोरोना का संक्रमण है, कोरोना का फैलाव है, इसको रोका जा सके। लगातार नए मामले को रोकने का प्रयास गाजियाबाद प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। कई नए नियम लागू किए जा रहे हैं। कल से एक नया नियम गाजियाबाद डीएम द्वारा लागू किया जा रहा है कि जो फल सब्जियों की दुकानें वो सिर्फ 2 बजे तक खोली जा सकती हैं, जबकि किराना और ग्रोसरी जैसी दुकानें हैं जो लॉकडाउन के दौरान भी इस समय खुली थी, वो सिर्फ अब 4 बजे तक खोली जा सकती हैं। इसके बाद इन दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। वहीं बॉर्डर्स एरिया की बात करें तो बॉर्डर्स एरिया में भी जो लोगों की आवाजाही है वो कम कर दी गई है। सिर्फ वैलिड पास के जरिए या फिर मेडिकल इमरजेंसी के दौरान जो लोग निकल रहे हैं
उनको ही आने जाने दिया जा रहा है। लगातार जो सख्ती है वो गाजियाबाद पुलिस सड़कों पर कर रही है, लोगों के चालान काटे जा रहे हैं और लोगों को घरों में रहने के लिए बोला जा रहा है। 15 हॉटस्पॉट एरिए अभी भी गाजियाबाद में हैं जिन पे सख्ती पूरी तरह से लागू है। इन एरिया को पुलिस तैनात कर पूरी तरह सील कर दिया गया है, जबकि 24 एपिक सेंटर भी गाजियाबाद में बनाए गए हैं, यहाँ भी लोगों की आवाजाही है वो सीमित की गई है। लगातार जो कोरोना का फैलाव है उसको रोकने का प्रयास गाजियाबाद में प्रशासन और गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। गाजियाबाद से मैंगौड़ यूपी तक।